कोरोना के खतरे को देखते हुए शासन प्रशासन एक बार फिर सख्त हो गया है। बुरहानपुर में भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया। वहीं रोको टोको अभियान के तहत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कलेक्टर के नेतृत्व में अभियान के तहत करीब 25 टीमें जिले भर में रवाना की गई हैं। इस दौरान सिंधी बस्ती चौराहे पर नगर निगम आयुक्त ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान भी काटे। कलेक्टर ने बताया, भीड़ वाले कोई भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना होगा। शादी में 100 लोग और अंतिम संस्कार में 30 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने पर ही एंट्री दी जाएगी। जिले के बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगाकर भी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग की जाएगी। अलर्ट नहीं होते हैं तो हम जो है इस आपदा की चोट में जो है ज्यादा आने की संभावना हमारी बढ़ जाएगी। तो आज से हम लोग जो है रोको टोको अभियान जिले में चालू कर रहे हैं। लगभग 21 दल हम लोगों ने बनाए हैं। प्रत्येक दल में एक वरिष्ठ अधिकारी है और साथ में पुलिस के लोग भी हैं और सभी थानाओं की मोबाइल और थाने के लोग भी जो है आज से मैदान में पूरे उतर गए हैं। जो भी व्यक्ति बिना मास्क के मिलेगा उसको हम लोग बुरहानपुर का दुश्मन मानेंगे और उसके ऊपर जो जुर्माना आरोपित करेंगे। और ये कार्रवाई लगातार चलेगी। आज ये बाजारों में और बड़े बड़े गांवों में जो कस्बे टाइप के गांव है वहां जाएगी। यदि हम लोग समय पर अलर्ट नहीं होते हैं तो